मेयर साहब है, डीसी साहब है, और इस फोर लेन में जुड़ा हुआ जो पैकेट ए, पैकेट बी, पैकेट सी में जुड़ा हुआ जितना भी ऑफिसर है, आपका पीएचई है, पावर है, फोरेस है, सभी का साथ बैठ के बात हुआ, और कॉन्ट्रेक्टर दोनों कॉन्ट्रेक्टर है, पैकेट बी का और पैकेट सी का। तो ये जो है आप लोग देखा होगा, आप लोग मीडिया वाला तो डेली पूछते रहता है कि पैकेट सी और पैकेट बी का रास्ता कब बनेगा, हम लोग का गाड़ी ख़त्म हो गया, हाँ चल नहीं सकता है, जल्दी बना के देना है। तो इसी में थोड़ा से बीच में हम लोग का बीच में थोड़ा डीसी साहब ने और खुद ये जो फोर लेन का खुद टेकअप करके रखा था, तो बीच में हम लोग ने बोला कि इसको बैठ के एक बार मीटिंग करके हम लोग एक साथ में मिल के मीटिंग करके बात करने से ठीक होगा, और आपका ऐसे छोटा छोटा प्रॉब्लम आते रहेगा। लेकिन वो डीसी साहब भी सोचा होगा, जब हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम इजी कम समय में हमने निकाल देगा बोल के, इन्होंने भी एक्सरसाइज किया नहीं किया बोल के नहीं है, किया है, लेकिन आज 4-5 महीना हो गया तो हम मीडिया में हम लोग सुनते रह गया कि डीसी साहब आज दे दिया, कल दे दिया, रोज को, तो काम शुरू नहीं हुआ। तो बाद में जाते जाते, और आप लोग आज देखा होगा, कल देखा होगा, परसों देखा होगा, तो इसी में फोरेस और डीसी साहब का बीच में भी स्टेटमेंट में भी इधर उधर हुआ, तो इमरजेंसी आज हम लोग को मीटिंग करना पड़ा। तो इसी मीटिंग में मेरा ये है कि क्लियरली मेरा आज मीटिंग में हमने ये कहा ही, मेयर साहब भी था है अभी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रोड है 1976 से ये रोड शुरू हुआ CPW का समय में, और CPW का समय में ये रोड को थ्रू किया हुआ है बांद्रद्वा से लेकर ईटानगर, वो रोड हम लोग 1976 से है वो रोड। उसका बाद CPW जाने का बाद PW ने इस रोड को टेकअप किया नेशनल हाईवे का रूप में, तो उसका बाद काफ़ी दिन PW ने इस रोड को बनाया। उसका बाद जिसको आपका ग्रिप ने फिर लिया, तास्कर ने लेकर फिर वो भी काफ़ी साल तक ये रोड को बनाया, और वो भी आपका नेशनल हाईवे का रूप में उन लोग भी लेकर बनाया। तो उसी बीच में ऐसा हो गया कि ग्रिप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे कि जब अगर हम लोग का यहाँ तो 6-7 महीने वर्षा आता है, तो जहाँ रोड टूटता है तो जब तक वहाँ से दिल्ली से पांडंग नहीं होता है तो ग्रिप जो काम करता नहीं, और हम लोग को ईटानगर का पब्लिक को बहुत झेलना पड़ा। तो हम लोग ने यहाँ का जो लोकेलिटी और यहाँ का जो कैपिटल का जो जितना माँ बहन है और जितना नौजवान है और हम लोग मिल के, ये तो बहुत तकलीफ देता है, और स्टेट का PWD को इस रोड को फिर वापस देना है, क्योंकि बांध हो या ना हो स्टेट का PWD होने से उन लोग दिन रात मरम्मत करता है, रास्ता टूट जाने से भी उन लोग पब्लिक का आने जाने का दुख दर्द को समझता है, इसको देना है बोल के हम लोग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को हम लोग ज़्यादा प्रेशर डालने का बात लिखा लिखी हुआ, फिर ये रोड जो है फिर PWD में आया। जाते जाते अभी फोर लेन का ग्रांट हुआ, जैसे कि उलुंगी से पैकेट ए जो है यहाँ जो है आपका उलुंगी से आकर आपका पप्पू नौलते ऑलरेडी बन गया फोर लेन, और रहा पैकेट बी पैकेट सी। तो उसी बीच में डीसी साहब ने बोला कि हम 3 महीना पहले दे दिया, सब कुछ हो गया, तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। फिर ऐसे आते आते में फोरेस ने भी कुछ उसमें दहल अंदाज हुआ, और परसों दिन का स्टेटमेंट होने का देखने का बाद फिर आज हम लोग का मीटिंग इसलिए रखा था कि हम लोग ऐसे करके फोरेस डिपार्टमेंट से आमने सामने में बैठ के बात नहीं किया। तो आज डेपो साहब आया था और हम लोग बैठा है और बात किया, मीटिंग हुआ, और इस मीटिंग में ये निर्णय लिया कि मेरा ओर से ऐसे एज ए ईटानगर का विधायक में आप सभी को अभी बता दिया, हम 76 से इस रोड को
हम लोग तो बना के CPWD PWD उस बीच में आपका तस्कर और उसका बाद फिर PWD लिया, उसका बाद फिर अभी आयु डिपार्टमेंट ने लेकर और पोर्ट लेन का अभी सेंशन हुआ। उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेरा कहने का मतलब जो है और उसमें NOC लेने का व पादर और ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कह के हमारा जो रोड है पहले से जो रोड है उसी को ही हमको बनाना है और हमको बनाने देने का जल्द से जल्द उसको दिया जाए और जो कॉन्ट्रेक्टर को तकलीफ ना दिया जाए। और ईटानगर का जनता, यहाँ का जो कैपिटल का जो जनता है, सभी को सड़क चाहिए, अच्छा सड़क चाहिए। और भारत सरकार ने जो पैसा दे कर रखा है और टेंडर हो चुका है और कॉन्ट्रेक्टर को जो ठेकेदार को जल्द से जल्द काम करने देना है। और नहीं होने से अभी फिर वर्षा आएगा, वर्षा आने का जब साथ साथ हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए पैकेज बी और पैकेज सी को जल्द से जल्द काम शुरू होने देना चाहिए। और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी मेरा दरख्वास्त है और स्टेट सरकार से भी मेरा एक दरख्वास्त है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि क्योंकि वो रोड जो है हमारा जो पहले से 76 से जो रोड है नेशनल हाईवे है, आज उसको फोर लेन में बनाने जा रहा है, उसमें कहीं हम जंगल तोड़ तार करके एक नया रास्ता बनाने नहीं जा रहा है। इसीलिए ये जो हमारा पुराना रोड है उसमें बनाने के लिए उसमें हमको फॉरेस्ट भी ज़्यादा दहेल अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी का बेनिफिट का लिए जब स्टेट कैपिटल है तो इसमें आने जाने का एक ही रोड है, इसीलिए इसको जल्द से जल्द बनाने देना चाहिए। ये परसों सुबह फिर हम लोग को इसमें बीच में कहीं अगर इधर उधर थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉब्लम होने से हम लोग सारा डिपार्टमेंट जाएगा, DC जाएगा, मेयर साहब जाएगा, हम खुद भी जाएगा और हम लोग उसको विजिट करके जल्द से जल्द ठेकेदार को काम को सौंपने का कोशिश करेगा। सर आपका मीटिंग अभी तक चल रहा है, इसका बाद लंच का बात नहीं, मीटिंग नहीं, मीटिंग खत्म हो गया। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? नहीं, इसीलिए ये जो है हमारा मतलब मीटिंग जो है फाइनल वही डिसीजन लिया कि जो हमारा 76 से जो रोड है उसी रोड को हम बनाने जा रहा है, तो उसी रोड को बनाने जाने में उसी में कोई दहेल अंदाज नहीं होना चाहिए। अगर हम अगर नया रोड अगर पार पूर करके अगर जंगल काट कूद के जाता है तो वो बात अलग है। ये रोड हमारा जो है 76 का रोड है, उस रोड को बीच में कोई ऐसे NOC का कोई प्रॉब्लम नहीं था और अभी भी वो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ना स्टेट सरकार से, ना कहीं से भी नहीं आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब जो है। और उसी में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो हम लोग फिर परसों दिन सुबह जाएगा, 6 बजे में जाएगा और उसको देख के उस प्रॉब्लम को छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो सॉल्व करके उसको जल्द से जल्द ठेकेदार को हैंड ओवर करके काम शुरू करने देगा। अच्छा विधायक जी, प्रॉब्लम बोलने से किस तरह का प्रॉब्लम दे रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? नहीं नहीं, उसमें थोड़ा सा एक लिखा लिखी हुआ था कि उसमें कल परसों तो आप लोग के इंटरव्यू खुद लिया होगा, खुद सुना होगा। DFO has already said कि आप लोग का जो PWD है वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं लिया है अभी तक फॉरेस्ट नहीं, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसी बात को तो हम बार बार, ये रोड मेरा 76 हमारा रोड है, उसका बाद 76 में CPW ने रोड बनाया, हाँ वो क्लियर मैप है सरकार का पास और सरकार ने ऑर्डर दिया हुआ है। और उसका बाद 76 का बाद फिर बाद में PWD लिया, PWD का बाद तस्कर ने लिया, हाँ तो इसलिए हम बार बार बता रहे, फिर तस्कर ने दिया, उसमें कोई NOC का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीच में कोई ना फॉरेस्ट से ना कोई किसी से कोई NOC का प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जाते 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 फिर तस्कर का बाद PWD फिर ले लिए ये रोड को, अभी जो है हाईवे डिपार्टमेंट ने लेकर भारत सरकार ने पैसा दिया और पैसा ऑलरेडी मैक्सिमम हम लोग को पेमेंट भी हुआ और इस रोड को हम लोग अभी फोर लेन में बनाने के लिए जा रहा है। उसमें कोई, हम बार बार बोल रहा है कि हम कोई ऐसे नया रोड एक बना के छेड़छाड़ करके नहीं जा रहा है, जो हमारा जो पहले का जो रोड है उसको हम लोग फोर लेन में बनाने जा रहा है, उसमें हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द हमको काम को हैंड ओवर करने देना है और शुरू करने देना है। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं अभी तक, वो प्रोसेस में है, वो प्रोसेस में जो अगर कहीं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर है तो वो हम प्रोसेस में है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर आज DFO सर का स्टैंडिंग क्या करता है? आज आपको मीटिंग हुआ है साथ में मेयर सर, इसकी उसमें ये देखिए मीडिया बंधु
हमारा अरुणाचल में सिर्फ ये अकेला इशू नहीं है, हमारा सारा भारत वर्ष में इशू है। आप जो बार बार MLA साहब को, आप जो बार बार एक सवाल को पूछ रहे कि DFO साहब का क्या इशू है, क्लियरेंस का क्या है, बोले से ये एक ही चीज़ से जुड़ा हुआ है। लॉन्ग बैक, इफ वी वे बैक टू 1978-1976, MLA साहब आप लोगों को क्लियर मैसेज दे रहा है। उस जमाना में जब हमारा अथॉरिटीज थे, आज जैसे हमारा DC है, AC है, उस जमाने का अलग वो करता ये था कि बैठ बैठ के कोई भी डिसीजन लेगा, कोई भी अलॉटमेंट कर देता था। आपको सारा अरुणाचल में मालूम है, नामसाई जैसे इशू है, पूरा वो वाइल्ड लाइफ डिक्लेयर कर दिया। ईटानगर का इशू तो आप मालूम है 1978 को, यहाँ से सारा अलॉटमेंट, ये नदी का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, राइट हैंड साइड को भरपल निजाम। आप लोग अरुणाचली है इसलिए आप सब भी ये चीज़ को जानना चाहिए। आप भी, हम लोगों को क्या करना है, सरकार का साथ बैठ के, समाज का साथ बैठ के इसको सुधारना है, रेशनलाइज करना है। DFO भी एक नियम के तहत वो बोल रहे हैं। हमारा DC साहब ने अपना बलबूते से अपना ऑफिशियली जो मूवमेंट करके अभी पता चला है, ये एक बहुत अच्छा बात हो गया कि DFO साहब जो है 1980 का एक्ट को, 78 का डिक्लेरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दर्पण इशू लेके वो थोड़ा सा अरंगा डाल रहा था। उसके बाद अभी हाल ही में आपको एक ऑर्डर MLA साहब अभी बता दिया, ये अक्टूबर का ऑर्डर है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। आप सबको पता है हमारा जो आर्थिक मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी, जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, उन्होंने एक फ्रेश ऑर्डर बना दिया कि 1980 से पहला जो भी ओनरशिप था, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, कैसे भी हो, इसलिए MLA साहब आपको अच्छा से बता रहा है कि ये हम लोग फ्रेश रास्ता नहीं तोड़ रहे हैं, हमको बहुत अलग से। अभी आप रास्ता देखिए, ये रास्ता दो गली जैसे हो गया, एक दो घास लेफ्ट राइट में, पीछे का घास उधर का घास तो खत्म है, तो फॉरेस्ट वाला भी कहाँ जाता है ऐसे करके। अभी फिर ज़्यादा बोलेगा तो सेंटिमेंटल हो जाएगा। हम लोग को कुल मिला के ये बोल रहा था कि पैकेज बी और पैकेज सी को 2-3 महीना पहले से हम लोगों का काम शुरू होना था, मानसून आने से पहले, अरुणाचल का जनता का हित के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रुक गया था। लेकिन आज का तारीख में चीफ सेक्रेटरी लर्नेट DC साहब लोग रुक के पिछला 13-14 तारीख को, लास्ट टाइम में जब 14 को ये ऑर्डर क्लियर कर दिया, MLA साहब ने अपना व्यू आप लोगों को क्लियर बता दिया कि इसमें आगे दखल अंदाजा नहीं देगा। आज का मीटिंग में सारा स्टेक होल्डर को, सारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स को हम लोगों ने लिया, परसों सुबह हम लोग दौरा करेगा, इसलिए ये कहीं भी ये अभी काम रोकने नहीं जा रहा है। फॉरेस्ट का जो इशू था वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियरेंस आ गया। पहले जो इशू था आप लोगों को हम सुंदर से बता दे रहे हैं, पहला जो ऑफिसर लोग इतना फार साइटेड नहीं है। ईटानगर को देखिए, एक अलग तरीका से बांटा है, 78 को अलॉटमेंट दे दिया, एक छोटा सा जगह में किसी को इंडिविजुअल को अलॉटमेंट दिया, फिर बोलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सिविल सेक्रेटरीट भी दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, हमारा सासी का एक दो लड़का लोग बोलते रहता है ना हमेशा, वो देयर समवेयर देयर राइट, सम हो इट हैज टू बी सॉल्व, वो मैंडेटरी इशू है स्टेट का। हम लोग भी जानता है, ऐसा नहीं कि हम लोग कभी कभी आप लोग का सामने सार्वजनिक नहीं होने से नेता लोग नहीं बोलता है, वो बोलता है लेकिन एक दिन में नहीं होना चाहते। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दिस नाउ, सिविल सेक्रेटरी को कैसे नियम से हटाएगा, अरुणाचल का पब्लिक को कैसे, सबसे पहले हम लोग रास्ता बनाएंगे। तो MLA साहब ने निर्णय लिया, DC साहब, हम लोग तीनों पूरा मिल के आप एक तारीख को जाएंगे, DFO भी हमारा साथ रहेगा। आप उसको इसलिए तोड़ मरोड़ के प्लीज मत बोलिए, अभी हम लोग जो है आज समझौता कर लिया, पब्लिक का खातिर, डेवलपमेंट का खातिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। ऑफिसर्स कहीं ना कहीं हमारा पूरा अपना है, DC भी अपना होने के कारण कहीं ना कहीं एडवांटेज है DFO भी, इसलिए इसको हम लोग टेक ऑफ कर लिया। MLA साहब ने उसका बागडोर संभाल लिया, हम लोग बहुत जल्दी ये काम शुरू करेंगे। पहले जो थोड़ा डिले हुआ था, सही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का डिस्टर्बेंस था, वो डिस्टर्बेंस को ये ऑर्डर में क्लियर कर दिया, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप लोग इसको ले जाइए और परसों दिन ज्वाइन करिए आप पूरा विस्तार से जानने के लिए। प्लीज कम डे आफ्टर टुमारो विद अस एट 6:00। थैंक यू सर। सर, माय क्वेश्चन टू यू इज पैकेज बी और पैकेज सी का, मतलब इट्स गुड दैट द कन्वर्सेशन इज कमिंग अप, रोड बनेगा, राइट? आप लोग कुछ भी सर्वे करने जा रहे हैं, बट वी कैन नॉट हाई अवे और डू अवे विद द फैक्ट ऑफ द कंडीशन, द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड। मतलब इट्स द हाईवे कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, बट देन इज द अथॉरिटी कमिंग अप विद सम टेंजिबल सॉल्यूशन टू फिक्स द कंडीशन? मैम, एज पर वी हैव सर्टेन रूल एज पर गवर्नमेंट कंडक्ट्स,
डीसी साहब ने भी बार बार आप लोगों को सामने बोला, हम लोग सोशल मीडिया में फॉलो करता है, बिल्कुल ही पैथेटिक कंडीशन है, मेरा भी मानना है, क्योंकि वो है पैकेज बी का जो आपका जो स्ट्रेस है, आपको मॉडल विलेज से लेके बागे तिंगियाले तक हालत खराब है, क्योंकि वो लो लैंड है। उस लो लैंड को सुधरने के लिए तो अभी 415 बना। अच्छा, अभी आप लोग बोलते हैं फिलहाल एकदम हालत खराब है, खास करके डिलीवरी इशू होते हैं, सीरियस पेशेंट लोग हैं, बहुत तकलीफ होता है। आप लोग का बोलना सही है, हम लोग भी समझ पाता है, लेकिन एक नियम ये हो जाता है कि एक बार जब टेंडर जो है प्रॉपरली फ्लोट हो जाता है, डीसी ने बार बार बोला, हम सुना, लेकिन ये बात ड्यूटी ये है कि वो जिन्होंने टेंडर जीता वो पार्टी उसको जब तक सही नहीं बनाएगा मेंटेनेंस उसका ड्यूटी है। तो एमएलए साहब हम लोग आज बोल दिया, वो बोला परसों दिन से शुरू कर दिया, बोला ऑलरेडी आप लोग खबर करिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आप समाज के लिए, पब्लिक के लिए, मरम्मत जो करना है वो बीदर जो सक्सेसफुल जो बीट किया उसका ड्यूटी है। तो हम लोग तीनों ने आज इंस्ट्रक्शन दे दिया, पता चला है वो परसों दिन से शुरू कर दिया, इसलिए ये भी बहुत अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए। कर दिया, दे स्टार्टेड ऑलरेडी काम शुरू हो गया। हाँ सर, ये जो दुर्गम रिजर्व फॉरेस्ट का जो इलीगली 8 जो गच्चे का एज पर DFO उन्होंने कहा अगर आप एक गच्चे गिराओगे तो 10 गच्चे लगाना पड़ेगा, तो इस पे आप लोगों ने तो 8 गच्चे को ऑलरेडी रास्ते के लिए तो गिरा दिया है, अभी इस पे आप लोग क्या? नहीं देखो, इसमें हम लोग आज रोड बनाने के लिए जा रहा है और सारा कैपिटल को लेकर जाने से हम लोग का टाइम भी लगेगा, और इसीलिए हो अगर आपको पूछना है वो भी हम लोग दूसरा टाइम में उसका लिए भी बात करेगा। अभी जो है ईटानगर का सबसे सबको प्रॉब्लम है कि सबको जरूरी है कि हमको रास्ता जो पैकेट बी और पैकेट सी का हमारा जो हाईवे बनना है जल्द से जल्द बनना है, आपको भी चाहिए रोड, हमको भी चाहिए, सभी को चाहिए, उसका हाल निकालने के लिए आज हम लोग मीटिंग बैठा और इसमें थोड़ा थोड़ा आपस में हम लोग का बीच में थोड़ा छोटा मोटा मिसअंडरस्टैंड था वो आज हम लोग दूर करने का कोशिश किया, और आगे में और छोटा मोटा और कुछ है उसको हम लोग कल या परसों हम लोग जाकर जो रास्ता में अगर कहीं अगर छोटा मोटा अगर प्रॉब्लम है डिस्टर्ब है उसको हम लोग सकने से वहाँ ही साथ साथ में अप टू डेट में हम लोग फैसला करके जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग का ईटानगर का लिए ये सड़क बनने दीजिए और बाकी जो है बाकी बात जो है हम लोग बोलते रहेगा और आप लोग का साथ मिलते रहेगा। थैंक यू। अब मीडिया बंधु और मैसेज आप लोगों को एक तो हम देगा, ये हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न दिल्ली मुंबई हमेशा झगड़ा होता है, आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी तो सब घुमा, ईस्टर्न भी गया वेस्टर्न भी गया। ईस्टर्न में ऐसे जमीन है कि दिल्ली मुंबई कलकत्ता सेम है, जमीन ही जमीन है। आप यूपी को देखिए, मोदी जी का योगी जी का लीडरशिप में रातों रात वहाँ में 10 लेंग 11 लेंग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ अवेलेबल लैंड। हमारा अरुणाचल का वेस्टर्न साइड में वी ऑल आर इन ए लोचेस, आई मीन बिग माउंटेन्स, जहाँ लोच है, गहरी खारी जिसको बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में जो लोच बोलता है, सारा पहाड़ है, सड़क है। अभी आप घास का नाम लिया, हम लोग चाहते हैं कि अरुणाचल में 80% घास है, आप घास को वो लोग अभी वो फॉरेस्ट का एक के तहत बोल रहा है, नहीं तो हम लोगों को रास्ता नेशनल हाईवे बना के चाहिए ना, आप घास चाहिए, सीधा सीधी सरल सभी बोलने से। हम लोग को वेस्टर्न में कभी कभी गाली देता है ये आदमी लोग ठीक नहीं है, यहाँ का जाति लोग ठीक नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। हम लोगों को पास लिमिटेड जमीन है पहाड़ का बीच बीच से, ईस्टर्न में देखिए प्लेन ही प्लेन प्लेन, क्या अभाव नहीं है जमीन का, दिल्ली मुंबई में देखिए अभाव नहीं है। इसलिए जो अभी स्ट्रेस अभी टीवी में डीसी साहब का स्क्रीन में चल रहा है, ये घास जा रहा है, ये रास्ता जो जा रहा है इतना ही है रास्ता, हम दूसरा जगह ढूंढ के भी नहीं मिल रहा है, और नया बनाने जाएगा तो उपाय नहीं है, 4 लेंग तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग जो है चारों तरफ से मीडिया बंधु आप लोग भी ऑफिसर लोग भी थोड़ा सा सच्चाई का साथ चलना है। हम पहाड़ में बैठने वाला और प्लेन वाला बहुत फर्क है, ईस्टर्न को हम लोग मानता है वो लोग अच्छा है आदमी शांति है, लेकिन जमीन भी बहुत मजा है वहाँ में ना, इसलिए यहाँ का घास तो 8 to 10 तो काटने को दोबारा लगाना है बोला है, आप सबको पता है कितना घास है हम लोग के पास, फिर भी आप लोग ऐसे बोलेगा हम लोग 8 to 10 तो क्या, हम लोग 80 तो लगा देंगे पीछे में, जय हिंद टिकी है वो हो जाएगा। अच्छा मेरा जी लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशन डेट कब होगा, लाइक जैसे कि लास्ट टाइम खांडू जी ने स्टेटमेंट दिया था रोड इतना तक कम्प्लीट हो जाएगा, आप लोग के तरफ से कुछ है क्या एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन ऐसा है हम लोगों को पहले शुरू तो होना है, आपको दोबारा से बता रहा है दिल्ली मुंबई का बात अलग है, ईटानगर का बात अलग है। आप देखिए आप लोग भी अब छोटा बच्चा से पल के आया, आकाश से तो नहीं उतरा है, हमारा छोटा जमीन में
अभी इसको आप लोग बोलते हैं डेवलप करना है, मतलब इतना बनाना है, लेकिन इलेक्ट्रिक तार यहाँ से गया, सच्चाई BSNL का तार गया है, एकटा कोर्स ऑफ डेवलपमेंट हम किसी का पानी नहीं रोका सकते हैं। PHC का लाइन अभी सामने सामने से जाके बैठा है, अभी उसको भाई साहब प्रॉपरली हम मैनेज करना, नहीं तो हम एड्डा कोर्स ऑफ डेवलपमेंट पानी बंद कर देगा, कल हड़ताल में आ जाएगा, डीसी सबको घेराव करेगा, लाइट बंद हो जाए, हम पहले लाइट को एक्सटेंड करेगा, पानी को एक्सटेंड करेगा, जगह खाली हो जाएगा, उसके बाद हम 4 लेन बनाएंगे, उसके लिए समय तो लगता ही है, असली बात वो है। ऐसे फट से कोई कोई लीडर लोग कमेंट कर देता, ऐसा नहीं है, हमारा सीनियर MLA 3-3 बार चुनाव जीत के है, हर चीज़ को नियम के तहत करने के लिए समय लगे, और आप बताइए 12 महीना में 6 महीना बारिश होता है हमारा, और महीना को 7 महीना बारिश होता है, उसको भी ख्याल करिए, आप एक भरोसा रखिए, हम लोग जो है 24/7 डेवलपमेंट के लिए लड़ेंगे, लगे रहिए सर।